हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी हो रहा है 12:56 और आज मैं शेयर कर रही हूँ व्हाट आई ईट इन अ डे। और मैं उठी हूँ 12:30, उठ के मैंने झाड़ू लगाया और फिर अभी मैं करूँगी ब्रश। और नाइट शिफ्ट चल रहा है इसलिए मैं सुबह सोई हूँ, इसलिए अभी उठने में लेट हो गया है। एंड अभी मैं कर रही हूँ ब्रश, ब्रश करके अभी देखते हैं क्या क्या करती हूँ मैं, क्या क्या खाती हूँ आज पूरा आपको मैं मेरा जो लाइफस्टाइल है उसमें क्या क्या इंक्लूड करती हूँ मैं आप सबको शेयर करूँगी। एंड ब्रश करने के बाद मैं ये जूस पीती हूँ, मैंने ये जूस बना के रखा है। इसमें स्पिनच है, आंवला है, क्योंकि मेरा हेयर फॉल के लिए खाती हूँ, ऐसे नहीं कि ग्लोइंग स्किन वगैरह, क्योंकि मेरा हेयर फॉल बहुत हो रहा है। तो मैंने रिसर्च किया तो स्पिनच और आंवला अच्छा है, तो इसलिए मैंने ये जूस बना के रखा है ताकि मेरा टाइम बच जाए। एंड इसमें मैं थोड़ा सा नींबू भी ऐड करती हूँ, क्योंकि नींबू भी बहुत फ़ायदेमंद है, स्किन के लिए भी अच्छा है। तो बहुत कड़वा है पर फिर भी मैं पी लेती हूँ, मुझे तो पसंद नहीं है। उसके बाद ये तो लंच का ही टाइम था, पर हस्बैंड ने मुझे ये चिकन सैंडविच बना के चाय बना के दिया था, इसलिए मैंने सोचा खा लूँ। एंड उसमें चाय के साथ था ये फाफड़ा जो मैं रिसेंटली ऑर्डर किया मैंने जेप्टो से, मुझे इतना पसंद है कि मैंने एक पैकेट एक ही दिन में खा दिया पूरा, और फिर से मैंने ऑर्डर किया क्योंकि रिसेंटली मेरा एडिक्शन हो गया है। उधर मैं अंडा भी था तो मैंने अंडा नहीं खाया, वो मैंने ये सैंडविच खाया एंड फाफड़ा और चाय पिया। एंड बहुत टेस्टी था ये सैंडविच, हम घर पे बनाते हैं, इसका फिलिंग्स हम रेडी करके रखते हैं। एंड मेरा हस्बैंड ने आज बनाया था लंच में ये करेला, तो मैं तो खाना बाद में खाऊँ कि अभी मैंने ये सब खा लिया है। तो करेला मेरा फेवरेट है, तो इसलिए मैं खा रही हूँ, क्योंकि वैसे भी मैं करेला बनाने से मैं ऐसे ही खाती हूँ, खाने के साथ नहीं खाती हूँ, इसको मैं सेपरेटली खाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है करेला, अगर आप लोगों को भी अच्छा लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताना। उसके बाद खा के मैं थोड़ा सा रेस्ट करके फिर मैं जा रही हूँ जिम, और अभी जो टाइम हो रहा है वो 1:34 हो रहा है, एंड दोपहर का 1:34 PM को मैं जिम जा रही हूँ। एंड स्काई बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। सो जिम में पहुंच चुकी और आज मैंने किया है बैक और बाइसेप का वर्कआउट। एंड जिम में कोई नहीं था, जैसे कि दो लोग था, मुझे ऐसा खाली जिम पसंद है, क्राउडेड पसंद नहीं है, इसलिए मैं ऐसे ही टाइम को आती हूँ। एंड अभी मैं पी रही हूँ प्रोटीन शेक, मेरा वो ख़त्म हो चुका था वेट ट्रेनिंग, उसके बाद मैं सोचा पी लूँ प्रोटीन शेक, बाद में टाइम ही नहीं मिलेगा कि जाके मुझे लंच भी करना है। एंड प्रोटीन शेक पीने के बाद मैं फिर से वो जो कार्डियो है एनएब्स है वो करूँगी, ताकि ये हजम हो जाए, क्योंकि प्रोटीन से खाने के बाद ना आपको भूख भी नहीं लगता और खाने मन नहीं होते कुछ भी। तो मैंने सोचा यहीं पे पी लूँ वेट ट्रेनिंग के बाद। घर पे आके मुझे खाना खाने का बिल्कुल मन था फिर नहीं था, फिर भी मैंने थोड़ा सा दाल राइस और ये बैंगन का चटनी है वो थोड़ा सा खा लिया है मैंने। एंड बहुत मुझे ऐसे सिंपल खाना बहुत पसंद है। उसके बाद मैं लंच के बाद हमेशा ये मल्टीविटामिन लेती हूँ, हेयर मल्टीविटामिन वाइटल्स का। एंड पता नहीं वर्क कर रहा है कि नहीं, ऑलमोस्ट 1 month हो चुका है मैं ले रही हूँ, कोई डिफरेंस अभी तक पता नहीं चला, पर फिर भी मैंने सोचा है कि मैं इसको कंटिन्यू करूँ, बिकॉज कुछ चीज़ अगर आप स्टार्ट करती हो तो उसको एटलीस्ट आपको 2-3 months के लिए आपको करना है। वैसे भी थोड़ा मुझे कोई इफ़ेक्ट भी नहीं हो रहा है, तो मतलब कोई डिसएडवांटेज भी नहीं है, तो सोचा मैंने इसे कंटिन्यू कर लूँ। एंड अभी मैं पी रही हूँ चाय एंड ये फाफड़ा ओबियसली, जो कि मुझे बहुत पसंद है। एंड शाम हो रहा था तो अभी उसके बाद मैं चली गई वॉक करने के लिए। मैं रोज़ 12,000 स्टेप्स कंप्लीट करती हूँ एंड अभी मेरा 7,000 अराउंड हो चुका था, तो मुझे 5,000 और कंप्लीट करना था। वैसे मैं पहले करती थी 15,000, तो मैंने सोचा अभी मैं रिड्यूस कर दूंगी 12,000, क्योंकि इतना खुद को लोड करने के लिए भी मन नहीं है मुझे, ताकि वो बस काफ़ी है, जिम भी जा रही हूँ और 12,000 में रखूँगी मैंने सोच लिया है, ताकि थोड़ा एक्टिविटी ऐड हो लाइफ में, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो आपको फिज़िकली फिट रहना बहुत मुश्किल रहता है, इसलिए ये सब मैंने वॉक ऐड किया। और अभी हो रहा है 8:53 और मैं रोज़ 2 अंडा बॉयल खाती हूँ, बिकॉज प्रोटीन के लिए भी एंड फॉर हेयर,
ऑब्वियसली मेरा हेयर फॉल हो रहा है इसलिए, एंड अब भी अच्छा है तो मैंने ये ऐड किया है। तो अभी मैंने सोचा यही मेरा डिनर है, काफ़ी है बस। पर नहीं, हस्बैंड आया घर तो उसने बोला कि बाहर जाना है कुछ खाने के लिए, तो मेरा उसमें ही कम्प्लीट हो जाना था क्योंकि बहुत फुल हो चुका था पूरा दिन, बहुत कुछ खाया, इतना मैं नहीं खाती हूँ। तो फिर भी आके मैंने ट्राई किया स्टार्टर, मेरे पनीर, सॉरी ये है प्राउन्स मंचूरियन, मेरा फेवरेट है। तो स्टार्टर्स के लिए तो रोज पेट में जगह रहता ही है, तो मैंने सिर्फ स्टार्टर्स खाया एंड हाफ नान भी खाया था। एंड मेरे हस्बैंड ने बटर चिकन ऑर्डर किया था, तो बटर चिकन का जो मसाला है एंड हाफ नान मैंने खा लिया है। तो इसी के साथ ही मेरा डिनर कंप्लीट हुआ है एंड खा के मुझे बहुत फुल लग रहा था कि बहुत हो चुका था आज पूरा दिन। एंड फिर मेरा वर्क स्टार्ट होने वाला था क्योंकि नाइट शिफ्ट है, तो उससे पे मुझे नींद लग रहा था, तो मैंने ये ब्लैक कॉफ़ी बना लिया। तो पूरा रात में मैं 2 कप ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ ताकि एक्टिव रहूँ। अभी मैं 1 कप पी रही हूँ एंड उसके बाद मैं पूरी रात काम करूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बहुत जल्द मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ़।